रही है। सूरसागर में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में कई जगह चूक देखी गई है। एयरपोर्ट से लेकर व्यू होटल तक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़ा गया प्रोटोकॉल। कारकेड के बीच में आ गए थे मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ता। लेक व्यू होटल में किसी कार्यकर्ता का सूटकेस पड़ा रहा। कार्यक्रम स्थल की सीढ़ियों के नीचे कबाड़ पड़ा रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने अब ये रिपोर्ट जो है वो दिल्ली भेजी है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है। सूरसागर में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में कई जगह चूक देखी गई है। जोधपुर से बड़ी खबर है और आपको जानकारी दे दें कि एयरपोर्ट से लेक व्यू होटल तक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ा गया। ज्यादा जानकारी ले सहयोगी अरुण हर्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, कारकेड के बीच में मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ता आ गए, कबाड़ मिला है और क्या कुछ जानकारी है? मणि, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सिक्योरिटी लैपसेस हुआ था उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिनकी हाई सिक्योरिटी दी हुई है, उसके बावजूद भी उनके कार गेट के अंदर मोटरसाइकिल जो युवा कार्यकर्ता थे बीजेपी के वो आ गए थे। इसके साथ साथ बात करें, जहां लेकी होटल में जहां राष्ट्रीय ओबीसी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी, वहां पर एक कार्यकर्ता का सूट के काफी समय तक संदिग्ध हालत में पड़ा था, पुलिस की नजर नहीं पड़ी। और साथ ही साथ जिस स्थल पर जो ये मीटिंग होनी थी उसके सीढ़ियों के नीचे काफी कबाड़ पड़ा रहा था, जिसको लेकर आईबी ने पुलिस के अधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद में वहां से उन सामानों को हटाया गया और सूटकेस को जब्त करके असली मालिक को लौटाया गया। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह की चूक रही, काफी देर तक ये सूटकेस पड़ा रहा, इस तरह के जो कबाड़ पड़े रहे, कबाड़ में कोई भी संदिग्ध वस्तु रख सकते थे, इसको लेकर आईबी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली उच्च मुख्यालय को भेजी है। लेकिन कह सकते हैं अमित शाह के दौरे के दौरान काफी जगह सिक्योरिटी लैपसेशन हुआ है। अब देखना स्थानीय प्रशासन दोषी जो अधिकारी या कर्मचारी जो लगे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। अच्छा अरुण, ये भी जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट जो है दिल्ली भेजी जाएगी। रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी कि गृह मंत्री पहुंचेंगे मरुधरा, और उससे पहले जानकारी ये थी कि सुरक्षा इंतजाम पुख्ता तौर पर कर लिए गए, उसके बावजूद भी सेंध की तस्वीरें, सेंध की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल मणि, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिस तरह से हाई सिक्योरिटी मामला होता है केंद्रीय गृह मंत्री के लिए और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन जोधपुर में जिस तरह से अमित शाह के दौरे के दौरान ये तीन लैफ्ट सेक्शन पुलिस के सामने आ चुके हैं और उन्होंने उस समय उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया। इसके अलावा बात की जाए, जहां मंच पर उनका भाषण होना था उस मंच के ऊपर किसी अन्य कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगा दी जिससे एलईडी भी क्षतिग्रस्त हुई थी। तो कह सकते हैं जगह जगह ये सुरक्षा में जो लैफ्ट सेक्शन हुआ उसकी रिपोर्ट बनाकर आईबी ने जो है दिल्ली मुख्यालय को भेजी है। अब देखना है। शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगले